सरकार सुनकर रही है, ज्ञापन दे लिए, प्रदर्शन करने के कर लिए, कब तक हम चक्कर काटते रहेंगे सरकारी मुलाजिमों के? भाई हमें हमारे हक का दे दो, हम इतना ही चाहते हैं, और कोई हमारा कोई लड़ाई थोड़ी है किसी से, हमारे हक का दे दो। अगर सरकार आपकी बात अभी तक नहीं सुन पा रही है, इसका कारण क्या है और कब तक आप ऐसा करेंगे? और सरकार अगर आपकी बात नहीं सुनती तो आगे आप क्या करना चाहते हैं? भाई सरकार चोर है, सी सीधी बात कहें, सरकार चोरी कर रही है, हमारे हक का खुद खा रही है, इधर उधर बांट रही है। भाई LDC की भर्ती में उनको हमसे ज़्यादा तनख्वाह दे रही है, ग्रेड सेकंड की हम है, और LDC वालों को 13-14 हज़ार रुपये तनख्वाह मिल दे रही है। क्यों भाई? अभी नियुक्ति दे रही है 7,900 में दे रही है, फिर से क्यों दे रही है भाई? क्यों नर्सेस को गिराया जा रहा है? नर्सेस का पतन क्यों कर रहे हो भाई? अच्छा एक सवाल, NHM के जो अदर राज्यों के अंदर स्टाफ नर्सेस लगे हुए हैं उनको वेतन कितना दिया जा रहा है? हर जगह 18-19-20 हज़ार से ऊपर ही है, इतना कम कहीं भी नहीं है। राजस्थान में सबसे बुरी जो हालत है राजस्थान में है। और मैं एक बात कहूँ आपको, जो डूंगरपुर में शिक्षकों ने जो किया है ना, मैं उसको जायज़ ठहरा रहा हूँ, क्योंकि सरकार हम जो कर रहे हैं, हम कभी ना कुछ ना कुछ शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, जिस दिन हम उग्र प्रदर्शन करेंगे उस दिन सारे अधिकारी आ जाएंगे। सरकार खुद चाहती है हम प्रदर्शन कर रहे हैं उग्रवादी तरीके से, वो शिक्षकों ने जो किया है सही किया है, और अगर वो नहीं करते तो सरकार नहीं सुनती, कमेटी बनाती उनके लिए। अब सरकार प्रशासन सब ध्यान दे रहा है, इन नर्सेस को मरने के लिए अभी छोड़ दो, ये सारे भाई लोग अभी अगर यहाँ आग लगाते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो क्यों नहीं करेंगे ये सरकार? और सरकार नहीं सुनेगी तो हमें मजबूरन कुछ ना कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। अब एक तारीख से कार्य बहिष्कार हम कर रहे हैं, सरकार अपना देखे क्या करना है, कैसे करना है हमें बताए, हम प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से ही चाहते हैं। धन्यवाद।